मेरा नाम अविनाश सिंह राठौड़ है, आप सभी लोगों के लिए टाइगर। पिछले 20 साल मैंने अपना सब कुछ इंडिया की हिफाजत के लिए लगा दिया, बदले में कुछ नहीं मांगा, पर आज मांग रहा हूं। आज आप सबको बताया जा रहा है कि टाइगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, टाइगर गद्दार है, टाइगर एनिमी नंबर वन है। 20 साल की सर्विस के बाद मैं अपने इंडिया से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहा हूं। मेरे बेटे को मैं नहीं, इंडिया बोलेगा कि उसका बाप क्या था, गद्दार या देशभक्त। जिंदा रहा तो आपके खिदमत में फिर हाजिर, नहीं तो जय हिंद। Hello, folks, welcome to another episode of Bollywood This Week. Mamran Sari. Kya ho raha hai mera bhai? Mamran Sari. Kya ho raha hai mera bhai? Stay cool, man. Hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friend, मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 यानी कि टाइगर 3 के पहले यूनिट यानी कि टाइगर का मैसेज के फुल ब्रेकडाउन रिव्यू एंड रिएक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? द डायलॉग्स इन द टाइगर का मैसेज आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जिस पॉज से एंड जिस मजबूती से सलमान खान ने डायलॉग्स डिलीवर किए हैं, This is the return of the tiger and he is back in full form. जो footages use किया गया यहाँ पर virus के द्वारा, चाहे वो you know bus में हो, metro station में हो, saloon में हो, पूरे के पूरे you know areas जो दिखाए गए हैं, जब tiger ये messages पढ़ता है, you know बड़े बड़े billboards हैं, overseas है, वहाँ पर tiger के footages दिखाए जाते हैं कि क्या tiger गद्दार है, is tiger a traitor? पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड जिस तरह से स्टार्टिंग में जो लैपटॉप रहता है, जो कि यू नो वहां पर टाइगर अपना कोड नेम डालता है, टाइगर एंड RNAW का जो हेडक्वार्टर, पूरा का पूरा विजुअल दिखाया जाता है और मैसेज रिकॉर्ड करता है, एंड वहां से धक 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 गन की आवाज आती है एंड टाइगर कहता है, जिंदा रहा तो आपकी खिदमत में हाजिर, नहीं तो जय हिंद। दैट इज सुपर्ब, फर्स्ट शॉट ब्रिलियंट। एंड उसके बाद जो VFX दिखाया गया है, वो ब्रिज सीक्वेंस जिस तरह से VFX में पूरा का पूरा पिछले 3-4 महीनों में काम हुआ है उसके ऊपर, वाकई में काबिले तारीफ है। कलर ग्रेडिंग इज ब्रिलियंट, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर का कलर टोन को, कलर पैलेट को मैच करता है। द कंटिन्यूटी लुक्स ब्रिलियंट, ऐसा नहीं लगता कि वो टाइगर का वर्ल्ड जो है उससे कुछ छेड़खानी की गई है। तो फुल मार्क्स टू मनीष शर्मा कि एटलीस्ट टाइगर का मैसेज तक उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉमिस दिखाया है इस पूरे के पूरे यूनिट में। द कमांडो सीक्वेंस इज अ ब्रिलियंट, जिस तरह से कमांडो उनके कॉस्ट्यूम्स दिए गए हैं, कमांडो ब्रिज पे उतरते हैं, वहां पर बड़ा सा एक वैन आता है गाइस यहाँ पर, द कॉस्ट्यूम डिजाइन ऑफ टाइगर इज ऑल्सो सुपर। हमने कॉस्ट्यूम देखा है, आई थिंक बहुत सारा पार्ट जो मूवी का इस कॉस्ट्यूम में जाएगा। ब्राउन कलर का हेनली शर्ट है, टी शर्ट है, उसके ऊपर हेनली शर्ट है, ट्रेडमार्क कार्गो ब्लैक कलर है, सलमान खान इज लुकिंग फिट, द बियर्ड इज सूटिंग टाइगर सुपर, बहुत अच्छे लग रहे हैं सलमान खान सीक्वेंसेस में। एंड जिस तरह से वो जीप खड़ी रहती है, सलमान खान रनिंग कैचेस द हैंडल ऑफ द जीप एंड स्विंग्स, वो सीन में तो थिएटर इरप्ट होगा ही होगा, पॉप लेवल का सीक्वेंस है, पैसा तोड़ सीक्वेंस, मतलब पैसा उड़ाना, फर्स्ट सीट पर बैठ के स्क्रीन पर पब्लिक पैसा फेंकेगी, वैसा सीक्वेंस है। एंड जब वो हाथ में गन लेते हैं, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, थक 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 स्मैशिंग सीक्वेंस। इस्तानबुल के टॉप शॉट्स दिखाए जाएंगे जहां पर आपको बहुत ही भव्य चेस सीक्वेंस जो है दिखाया गया, बहुत सारी चीजें टीजर में छुपा कर रखी गई है, जो आई थिंक अब ट्रेलर आएगा तब देखने में और मजा आएगा। एक बाजार का सीक्वेंस है जहां पर आपको सलमान खान जो है फाइट करते हुए दिखाई देंगे, द आइकॉनिक द फेमस द हिस्टोरिक स्कार्फ, भैया स्कार्फ वालों की चांदी होने वाली है, फिर से स्कार्फ निकलेगा एंड फिर से स्कार्फ पहना जाएगा। स्टिल रिमेम्बर, ये सब छोड़ दो, टाइगर जिंदा छोड़ दो, एक था टाइगर, जब तक 1.5 साल तक मैं वो स्कार्फ पहन के घूमता था टी शर्ट के ऊपर, वो अलग ही पागल पना था। जब एक था टाइगर आई थी ना, मतलब वो पहनना है, बस वो पहनना है, स्कार्फ पहनना है, टी शर्ट के ऊपर कोई नहीं है। एंड बॉस जब टाइगर जिंदा आया तो अलग ही लेवल का पागल पना था उसका, तो एकदम अरे नशा ही था अलग पूरा। वो मैंने PXL में देखी थी,
मतलब वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स टू रिलीज इन पीवीआर पीएक्सएल बिग स्क्रीन, अलग लेवल की एक्साइटमेंट थी। तो गाइस उसके बाद एक सीक्वेंस है यहाँ पर सलमान खान एक मरून टी शर्ट पहने हैं, उस पर बुलेट प्रूफ वेस्ट है, वो सीक्वेंस ब्रिलियंट है, बट व्हाट अ स्लिंगशॉट, मास पूरा रस्सी पकड़ के ब्रिज सलमान खान जो पार करते हैं ना, दैट सीक्वेंस इज सुपर्ब। एंड उसके बाद गाइस किस तरह बाइक सीक्वेंस है, ये बहुत एक्सपेंसिव सीक्वेंस है, इसकी कंसेप्चुलाइजेशन पहले SRPF ग्राउंड जो है जुगेश्वरी वहां पे की गई थी, पूरा का पूरा सेट लगाया गया है वहां पर भी, लाइव लोकेशन पर शूट की गई है फिल्म को, इसका पीछे का इनहांस VFX देखिए, ब्रिलियंट सिनेमाटोग्राफी। आएंगे भैया अनय जी रुकी, आएंगे आपकी तारीफ में बोलने के लिए कुछ शब्द, क्योंकि गाइस इस फिल्म का सिनेमाटोग्राफर स्पेशल है, बहुत अच्छी तरीके से इसने फिल्म को शूट किया, इसके बारे में बात करेंगे। बट द एयर जंप फुल मार्क्स जिस तरह से यहाँ पर शूट किया गया है, आई थिंक YRF अब चैंपियन हो गया है इसी फिल्म में शूट करने के लिए, वो जो स्टेज है YRF स्टूडियोज में एंड उनका बोल्ड कैमरा काफी है ऐसा मैजिक क्रिएट करने के लिए पूरे के पूरे, लेकिन दिस फिल्म इज मोस्टली शॉट ऑन लाइव लोकेशन जो कि काफी मजा आएगा देखने के लिए। बॉयलर रूम फाइट है यहाँ पर, एक रूम में सलमान खान मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, लास्ट का जो ब्लास्ट सीक्वेंस है पूरा का पूरा मिलिट्री जो ब्लास्ट होती है बुडुम, हमारा वर्ड यूज कीजिए सर बोल दू बड़ुम्बा, पूरा ब्लास्ट होता है, काफी मजा आता है। मतलब लास्ट सीक्वेंस द हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर में जो गन मार रहा है ना, फिल्म जो रिलीज होगी उसके बाद में कुछ बताऊं आप तुम लोगों में, ओके हेलीकॉप्टर में एक मिलिट्री वाला गन तक 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 मार रहा है वहां पर, एंड नीचे सलमान खान स्टैंड एंड डिलीवर, यू स्टैंड एंड यू डिलीवर, सलमान खान विद द गन इन द हैंड, फाट 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 फाट, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। और जो लास्ट सीक्वेंस है ना बाजार में सलमान खान चलते हुए जा रहा है, फुल माशाल्लाह सॉन्ग जो है ना वो, और उसके बाद जो इसमें था जो छोटे बच्चे को बचाता है बाजार से, वो वाइब दे रहा पूरा, मतलब यूनिवर्स जो है ना टाइगर का उससे हम लोग यहाँ पर अलग होते हुए नहीं दिखाए थे, काफी अच्छा है। स्क्रीन प्ले बाय श्रीधर राघवन, तो बी रेस्ट अश्योर्ड स्टोरी तो पहले से मजेदार लग रही है मेरे को, टाइगर को गद्दार डिक्लेयर कर दिया, भैया वो व्यक्ति ऐसे देश के लिए इतना कुछ किया गद्दार बता दिया भाई, बहुत बेकार काम किया, तो ये पूरा ग्रिपिंग हो गया है शुरुआत से, पता है कि मजा होगा। DOP अनय ओम गोस्वामी, वॉच आउट फॉर इस कैमरा वर्क, सचित पलोसी या पठान में एंड अनय गोस्वामी दोनों के काबिल कंधों पर YRF ने जो जिम्मेदारी दी है इस बड़ी फिल्म की, अनय गोस्वामी विल बी अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, का कैमरा वर्क आप लोग देखना फिल्म में बहुत मजा आएगा। म्यूजिक हमारे मित्र है भाई, तो हमारे जैसे दिखते हैं भाई, उन्होंने दिया प्रीतम दादा, दादा खूब भालो गाने तो फाड़ हो गए फिल्म के, सभी लोगों को मालूम है तो सोशल मीडिया यूज करते हैं उनको पता है कि गाने किस लेवल के फिल्म के, बाप टॉप नॉच, पहला गाना जाएगा ना वो टॉप नॉच फाड़ेगा रिकॉर्ड वो वाला, डायलॉग्स बाय अंकुर विद अ सी चौधरी इज रिटन रियली गुड, स्टार्टिंग का मोनोलॉग पढ़ के बताया गया और काफी अच्छा लगा, स्टोरी बाय आदि सर आदित्य चोपड़ा इज गोना बी ब्रिलियंट, प्रोडक्शन डिजाइनर मयूर शर्मा है, बहुत जिम्मेदारी होगी उस पर, एडिटिंग बाय रमेश्वर एस भगत और वेटरन इन एडिटिंग, ओके एंड सलमान खान ने बहुत सारी फिल्में एडिट की है, तो लेट्स सी एडिट किस तरह से रहता है। द कोरियोग्राफी ऑब्वियसली वैभवी मर्चेंट, साउंड प्रीतम दास एंड गणेश गंगाधरन का है, बट एक्शन डायरेक्टर मिस्टर ओ कोरियोग्राफी की है भाई छुरी वाली इस पिक्चर में, मिस्टर ओ है फ्रांस सिफलोस वेटरन है, और सभी लोगों को पता है हमने चेस सीक्वेंस में बहुत चीज डिस्कस की है, एंड मिस्टर रॉड स्टंटीन सुनील रॉड्रिगस माय मैन ब्रिलियंट, बट BGM इज बाय तनुज टीकू ने आई थिंक LSC लाल सिंह चड्ढा का भी BGM दिया है, तो इस बार जूलियस पैकियम जो थे हमारे वेटरन उनका BGM जो है मेंटेन किया है, बट द बैकग्राउंड म्यूजिक जो यहाँ पर दिए अदर सीन्स की वो तनुज टीकू ने दिए गए, यहाँ पर कॉस्ट्यूम्स ऑब्वियसली द यूजुअल्स अनायता जी है, अनायता जानिया है, अलवीरा खान अग्निहोत्री है, एशली जी कहाँ भैया आजकल दिखाई नहीं दे रहे, एशली रिवेलो है एंड दर्शन जालन है, दर्शन जालन किसके लिए कपड़ा बनाया भाई हमको पता है, VFX बाय YFX है गाइस यहाँ पर, ऑब्वियसली ट्रेलर हैज बीन कट बाय मोहित सजनानी एंड कास्टिंग डायरेक्टर ऑब्वियसली द वेटरन शनु शर्मा जी है, तो गाइस यहाँ पर पूरा का पूरा टाइगर का मैसेज एक गूजबम्प है, आई थिंक अ प्रॉपर पॉलिश प्रोडक्ट बाय द YRF एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, आई हैव नो वर्ड्स, आई एम सुपर हैप्पी, मैं लिटरली देखा ना आई लिटरली क्राइड आफ्टर दिस, मैं बैठा मैंने रिव्यू दिया है, मैं बैठ के सोच रहा था कि दिस मैन्स पोटेंशियल क्या है, ये सलमान खान अपना पोटेंशियल खुद नहीं मालूम उनको, ही टेक्स हिज लाइफ सो कैजुअली एंड सो आराम से, ये होता है सलमान खान को यूज करते हुए।
अभी धर्मा के अनाउंसमेंट आने दीजिए भाई, और मजा आएगी। और उसके बाद सूरज बाबू भी आने वाले हैं, तो गुड टाइम्स अहेड। लेकिन उसके बीच में भैया टाइगर वर्सेस पठान भी है, तो सलमान खान के फैंस आपका अच्छा वक्त जो शुरू हो चुका है। बस सलमान भाई ऐसी लाइन पर रहिए, आप बाहर मत निकल जाइए लाइन से। दैट इज ऑल आई वांट, द मैन द मैजिक द मैवरिक मेगा स्टार सलमान खान। दिल से जब आवाज निकलती है ना, तब उसमें बोलने में एक अलग ही मजा होता है। मेगा स्टार सलमान सलीम खान, नाम याद रखना। स्टे कूल मैन।